आज उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने के साथ ही सलूंबर में बगावती तेवर भी दिख रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सलूंबर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद उपचुनाव होने हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी शांता देवी मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है और इस घोषणा के बाद से ही नरेंद्र कुमार मीणा लगातार आहत और आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया भी था कि दावेदारों की सूची में नरेंद्र कुमार मीणा भी लगातार बड़े दमखम के साथ डटे हुए थे, मगर प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब उनके तेवर थोड़े बगावती दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि अब हम समर्थकों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और आगे किस प्रकार से अपनी भूमिका निभानी है वो तय किया जाएगा, मगर आज उनके एक वीडियो के माध्यम से तेवर बगावती बड़े स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। भारतीय जनता पार्टी ने सलूंबर विधानसभा के उपचुनाव हेतु आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी का मैं पिछले 20 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होकर सलूंबर की जनता के बीच में रहा हूं और सलूंबर की जनता की सेवा कर रहा हूं। 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में, 2019 के लोकसभा के चुनाव में, 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा नाम प्रमुखता से नंबर 1 पे होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। इस कारण से मैंने हर बार धैर्य रखा, पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने का मैंने परिचय दिया है। इस बार मेरे कार्यकर्ता, सलूंबर विधानसभा के 36 कौम के कार्यकर्ता आज इस निर्णय से बहुत आहत हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं और कई कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से मिलके और कई कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन पे मेरे से बात करके उन्होंने अपनी स्थिति बताई और जो गांव में दुख प्रकट कर रहे हैं उनके वीडियो बताए मुझे, वो देख के और मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। इस हेतु सलूंबर विधानसभा के 36 कौमों के कार्यकर्ताओं ने, जनता जनार्दन ने, समाजों ने कल सलूंबर के एक ओजस्वी वाटिका में सलूंबर बाईपास पर बैठक रखी है। उस बैठक में दोपहर 11 बजे सभी लोग वहां एकत्रित होंगे और मुझे वहां बुलाया है तो मैं वहां पे उस सबके बीच में उपस्थित रहने वाला हूं। जो कार्यकर्ता और जो कोई मेरे इष्ट मित्र मिलना चाहे तो मैं दोपहर 11:15 बजे वहां पे मैं उपस्थित रहने वाला हूं सलूंबर में।